My name is Ansh Gulati, and I am a finalist of Voice of Edmonton. It gives me immense pride to be part of such a platform that Pran Group has provided us. It's absolutely brilliant for showcasing talent. And for me, the best thing about music has always been the smile that I'm able to bring to other people's faces when I sing. My first greatest memory of singing was when I was only about 10 years old, and I had gone to India, and we had worked in shelter camps, and I had sang. And to see the smile on patients' faces was one of the most amazing feelings that I've ever had in my whole life. And that connection with volunteerism, music, has always been something that I've really believed in. My name is Kranti Gulati, and I'm Ansh Gulati's grandma. My name is Rigneni, and I'm Ansh's grandma. And Ansh is my brother. I'm Ansh. के बारे में काफी खुश हूँ क्योंकि ये बचपन से ही हम लोगों को बहुत खुशी दी है इसने और जब ये सिर्फ 3 साल का था तब से ये गाना गाता है घर से और हम बहुत एंजॉय करते थे उस समय चाहे जितना गाता था बहुत अच्छा गाता था लेकिन इसकी ग्रास्पिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि ये गाने सीख लेता है और अच्छी तरह याद रखता है और आज तक ये गाने की उसी तरह से प्रैक्टिस करता रहता है और गाता रहता है ये इसका पैशन भी है और ये रियाज भी करता है और बहुत शौक से गाता है और हम भी इसका गाना बहुत शौक से सुनते हैं मेरा नाम मानव गुलाटी है और अंश मेरा बेटा है अंश ने बचपन से ही सिंगिंग को बहुत अहमियत दी और मुझे भी गाने का शौक था बच्चे को भी शौक हुआ तो बहुत अच्छा लगता है कि बेटा आज फाइनल्स में पहुंचा है वॉइस ऑफ एडमिंटन में और मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा करे पढ़ाई में भी बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है एंड शुरू से इसने पढ़ाई अच्छी करी है पढ़ाई को कभी इग्नोर नहीं किया कि म्यूज़िक के साथ पढ़ाई और यू नो म्यूज़िक को दोनों को एक इक्वल वो रखता है ये नहीं करता कि जी म्यूजिक में ज़्यादा ध्यान दे या पढ़ाई में ज़्यादा लेकिन इसने पढ़ाई बड़ा अच्छा कर रहा है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के लिए आज की लाडी हूँ अंश की मम्मी सबसे पहले तो मैं आप लोगों का जो प्राण ग्रुप है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एडमिंटन जैसे शहर में जिसमें कि बच्चे अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं और उनको इंकरेजमेंट मिल रही है जैसे अंश के दादा दादी और पापा ने मेंशन किया कि अंश बचपन से ही बहुत अच्छा गाता है इसको गाने सीखने उनके वर्ड सीखने बहुत जल्दी कर लेता है और इसकी कोशिश रहती है कि जितनी वर्सेटिलिटी दिखा सके और जितने पैशन और फील से गा सके गानों को ये रियाज करता है उसका लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ना केवल संगीत बट एकेडमिक्स की तरफ भी इसका पूरा पूरा फोकस है और ये ऑनर स्टूडेंट रहा है स्कॉलरशिप्स मिलती रही हैं इसको और साथ में वॉलंटियरिंग भी बहुत करता है सोशल सर्विस में बहुत इसमें अपना काफ़ी टाइम देता है जैसे आजकल के बच्चे उतना नहीं होते इंटरेस्ट बट ही इज़ वेरी फोकस्ड एंड मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप सब इसको सपोर्ट करें इसकी जी जान से मेहनत कर रहा है ताकि वॉइस ऑफ एडमिंटन में ये अच्छा परफॉर्म कर सके और आप लोगों के ग्रुप के साथ ये जुड़ा रहे और आप सबका सपोर्ट हम रिक्वेस्ट करें थैंक यू मेरा नाम अंकुर है मैं अंश की बुआ हूँ और अंश और मेरा बेटा साथ साथ स्कूल में पढ़े हैं और दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में अंश हमेशा फर्स्ट आता था और मैंने इसकी सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं कभी कोई परफॉर्मेंस मिस नहीं करी Today I am a finalist in the Voice of Edmonton among the top 8 which is something that I am very proud about and I'm looking forward to many more opportunities in music and much more experience as I'm 18, just 18 right now. I would like everybody to come out for this wonderful event which is happening on 11th August at 12 o'clock at ACCA Centre. It's something that everybody should check out because there's some wonderful talent that Pran Group will be presenting you in the Voice of Edmonton competition.